जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम खपलू खांचे डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान। कल का दिन थोड़ा सा ऑफ था हमारा क्योंकि बाशो वैली से निकल कर देन ऑल द वे फ्रॉम बाशो टू स्कर्दू तकरीबन 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे हमें। फिर स्कर्दू बाज़ार में रुकने के बाद हम खपलू की तरफ आए कुछ शाम को 4-4:30 बजे पहुँचे। एक तो थकावट ज़्यादा थी, दूसरा कैमरा चार्ज नहीं था, मेमोरी लो थी, तो मैं कल का दिन बिल्कुल भी कुछ भी व्लॉग नहीं कर सका, ना ही कोई एक्स्ट्रा वीडियोस बनाई। और दूसरी उसकी वजह ये भी थी कि वो ऑलमोस्ट रास्ता जो है ना वो रिपीट हो जाना था, तो इस वजह से मैंने कोई किया नहीं। अभी चूँकि खपलू नया है तो मैंने कहा चलो इसकी एक वीडियो बनाई जाए। आज आपको खपलू की वीडियोस देखने को मिलेंगी आज के व्लॉग में। और अभी हम लोग रात 5-6 बजे हम पहुंच गए हुए थे कराकुरुम लॉज, होटल है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, ज़बरदस्त किस्म का गार्डन है, पीछे पूरा एक इनका बाग है जिसमें आपको हर किस्म के फ्रूट्स, खुबानी, एप्पल और बहुत सारे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये एप्पल कटरी है जो सिर्फ यही पहचान में आ रहा है। एप्रिकॉट का सीज़न ख़त्म हो चुका हुआ है। अभी का प्लान आज ये है कि यहाँ से निकलेंगे, ऑलमोस्ट रेडी हैं, गाड़ियों में सामान रख दिया हुआ है, और यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे चकचिन मॉस्क, खपलू पैलेस था सरीना खपलू पैलेस, वो हम लोगों ने कल देख लिया था। और अभी चकचिन मॉस्क है जो कि आई थिंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरानी मॉस्क है, जाएंगे तो उसकी हिस्ट्री का मालूम पड़ेगा क्या है। फिर उसके बाद हम सेलिंग, एक जगह है सेलिंग, जाएंगे वहाँ पे, सेलिंग फ़िश फॉर्म है ट्राउट फिश का, वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स स्कर्दू आज का दिन, फिर शाम में जो है ना वो स्कर्दू कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है वो करेंगे, देन उसके बाद फिर होटल चेक इन कर लेंगे स्कर्दू में। अभी के लिए चेकआउट कर रहे हैं फ्रॉम कराकुरुम लॉज खपलू, और आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स चकचिन मॉस्क, आपको दिखाते हैं आगे आज खपलू में है। जी तो चकचिन मॉस्क पहुंच गए, ये है कुछ 735 हिजरी पुरानी एक मस्जिद है खपलू में, और इस्लाम से पहले यहाँ पे बुद्धिज़्म हुआ करता था, और देन उसके बाद 735 हिजरी में एक मुबल्लिग थे जो कि ईरान से चले थे, श्रीनगर लद्दाख से होते हुए यहाँ पहुँचे थे, उनका नाम था सैयद अली हमदानी, और उन्होंने यहाँ पे तबलीग के बाद फिर लोग बुद्धिज़्म से मुस्लिम में कन्वर्ट होना शुरू हुए। और ये जगह जहाँ जो मस्जिद है इसका नाम है चकचिन मॉस्क, जो उस टाइम तामीर की गई थी, इस ये पहले जो है वो बुद्धिस्ट का एक इबादतगाह प्रेयर एरिया ये हुआ करता था नीचे इसके, अभी मस्जिद है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, तो इसको नीचे ग्राउंड को फिल करके फिर इसके ऊपर एक मस्जिद तामीर की गई थी 735 हिजरी में। ये उस सेम वही मस्जिद है चकचिन मॉस्क। बाकी मस्जिद का इंटीरियर और एक्सटीरियर सारा वुडन का वर्क हुआ हुआ, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही बारीकी का काम है, मैं आपको भी दिखाता हूँ वो। Thank you.
ले जी सेलिंग फिश फार्म पहुंच चुके हुए हैं। ये एक रिजॉर्ट टाइप जगह है जहां पे आपको ट्राउट फिश मिल जाएगी। ये छोटे छोटे बैठने की जगह बनाई हुई है फॉर द लंच एंड डिनर, और बीच में तालाब बनाए हुए हैं जिसमें ट्राउट फिश है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे ट्राउट फिश, जो कि शेयोक रिवर से पानी को इकट्ठा किया गया हुआ इन तालाब में, एंड देन आप उन उसमें फ़िश, ट्राउट फिश की फार्मिंग हुई हुई है, तो आप फ्रेश फिश बनवा कर यहाँ से यहाँ पे खा सकते हैं। अच्छा जी, ये अब डिस्ट्रिक्ट खांचे जो है वो यहाँ पे एंड हो गया। ये लास्ट चेक पोस्ट थी डिस्ट्रिक्ट खांचे की। अभी हम स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट एंटर हो गए और आज खपलू से चलने के बाद चकचिन मस्जिद देखी, उसके बाद फिर सेलिंग से फिर हम लोग जो मेन रोड है उसकी बजाय अंदर वैली से होते हुए, दो तीन वैली थी सेलिंग, देन उसके बाद दहूनी, एक और जगह थी उसका नाम जो है ना वो जहन में नहीं है,
लेकिन उन जगहों से होते हुए फिर हम मेन रोड को टच किए, थोड़ा सा रास्ता चेंज किया ताकि बोर ना हो जाए, और सेम रास्ते से आते तो डेफिनेटली फिर वो सेम जगह देखनी पड़नी थी तो बोर हो जाते, तो इस वजह से रास्ता चेंज करके अब अगेन दोबारा चेक पोस्ट पर पहुँच गए, और यहाँ से अब जाएंगे सीधा स्कर्दू होटल में, और आज चेक इन करेंगे होटल में, रेस्ट करना है आज हम। स्टिल ऑन द वे टू स्कर्दू, खपलू चेक पोस्ट से निकले हैं कोई 10 से 15 मिनट के बाद, हमारी दो गाड़ियों में से एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया, और अब वो सामने बैठे जो है ना वो लगा रहे हैं। मैं इधर ऊपर पहाड़ पे चढ़ आया हूँ थोड़ा सा व्यू को एंजॉय करने के लिए, साथ में इंडस रिवर चल रहा है, ये सियाचिन स्कर्दू रोड है, और गाड़ी के टायर पंचर है, टायर चेंज कर रहे हैं, उसके बाद चले जाएंगे स्कर्दू, 14 किलोमीटर का सफ़र। चले जी, टायर फिक्स हो गए, और मैं अब नीचे की तरफ जा रहा हूँ ताकि गाड़ी में बैठे और जाए स्कर्दू। चले जी, फाइनली स्कर्दू होटल पहुँच चुके हुए हैं, और अभी नहा धो लिया है और फ्रेश हो गए हैं, थोड़ा सा खाना भी खा लिया है, तैयारी है अभी स्कर्दू बाज़ार जाने की। कुछ लोगों ने हमारे साथ जो है उन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह और कुछ चीज़ें घरों के लिए परचेज करनी है, और डिनर भी हमारा आज रात बाहर ही है एक रेस्टोरेंट पे, तो वो करेंगे। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है अभी स्कर्दू का, पीछे आप देखें अगर विंडो से आपको नज़र आ रहा हो तो बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे भी 10-15 मिनट के लिए, देखते हैं बाहर जाके कैसा मौसम है। आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि व्लॉग खपलू से चल के सेलिंग देन पता नहीं कहाँ कहाँ से होता हुआ स्कर्दू पहुँचा है, बहुत देर हो चुकी है, बहुत लंबा हो चुका हुआ है, और आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ, अभी आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, कल आपको दियोसाई दिखाएंगे श्योसर तक, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, अगर आप नॉर्दर्न एरिया का ट्रिप अरेंज करना चाह रहे हैं और नॉर्दर्न एरिया विज़िट करना चाह रहे हैं तो आप मेरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्कर्दू, खपलू, दियोसाई, बाशू वैली, शंगरीला साइड, कचूरा साइड, शिगर साइड, जहाँ पे भी मुझे नीचे कमेंट में लिखें, या मेरा ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा, अगर डिटेल्स में जाएंगे तो मुझे ईमेल में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको एक अच्छा सा प्लान बना के शेयर कर दूँगा, आप उस प्लान पे चलें और आपका ट्रिप बहुत अच्छा जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।